इन शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का ब्लॉग मैं क्यों कुकिंग से स्टार्ट कर रही हूँ वो शॉर्टली आपके साथ शेयर करती हूँ। आज कुकिंग में क्या कुक करूँगी, आज बनेगा चना भटूरा। उसके लिए आटा रेडी कर रही हूँ। आटे में मैंने ऐड किया है सॉल्ट एंड आप मेथी ऐड कर सकते हो अगर चाहते हो। एंड मैंने थोड़ा सा जीस्ट ऐड किया है, जी सल्फराइजिंग है फ्लावर। जीस्ट में इसलिए ऐड करती हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाता है। सो वार्म वाटर लूँगी, थोड़ा सा ऑयल लूँगी। अब मैं एक स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये ट्रिक आपके लिए है, अगर आप हाथ से डो नीट करना नहीं लाइक करते तो आप ऐसे स्पून से मिक्स कर सकते हो। सो इसे मैं नीट नहीं करूँगी इतना ज़्यादा, बस अब मैं इसे हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी एंड फिर मैं इसे कवर कर दूँगी। तो मैं इसे कवर करके एटलीस्ट 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे नीट करूँगी। आप देख सकते हो थोड़ा सा राइस हो गया। फिर इसे नीट करना इजी होता है, अगर नीट नहीं करना चाहते जस्ट इसे थोड़ा सा ऑयल लेके मिक्स करके रखते हैं। ऐसा जब आप करते हो सो फिर बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं। नाउ मैं इसे थोड़ा सा नीट करूँगी एंड अपने हाथ को क्लीन कर लूँगी, साइड्स क्लीन हो जाएंगी। एंड नाउ ये सॉफ्ट हो चुका है, बस अब इसको मैं ऐसे रख दूँगी कवर करके। अगर आप इंस्टेंट भटूरा बनाना चाहते हो तो ये डो रेडी है बनाने के लिए। मुझे अभी चने बनाने हैं एंड इसको मैं शाम को यूज़ करूँगी। एंड मैंने इसलिए बना के रख लिया कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। अब मैं जल्दी से चना बना लेती हूँ। उसके लिए मैं अनियन जिंजर गार्लिक ऐसे पहले चॉप कर लेती हूँ एंड इसमें मैं ये सारे ड्राई जो होते हैं मसाले इनको यूज़ करूँगी एंड बेली। नाउ मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड करूँगी चने। जब तक चने बन रहे हैं तब तक मैं और मल्टीटास्क वर्क करूँगी, अपनी मशीन को खाली करूँगी एंड जे बर्तन ऑलरेडी वॉश किए हुए हैं इसे जल्दी से मैं स्टैक कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। सो चने अभी भी पक रहे हैं, इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला एंड चना मसाला। इंस्टेंट शाही पनीर बनाना बहुत ईजी है, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। पहले आपको तड़का लगाना है, देन जो टोमेटो प्योरी होती है उसको पकाना है अच्छे से एंड फिर उसमें आप स्पाइसेस ऐड करके जब वो पक जाए वाटर ऐड करके देन आपको क्रीम ऐड करनी है।
बस इजी है, इसकी रेसिपी है अपॉन माय चैनल, सो इसलिए मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही। बस इसे अब मैं पकाऊंगी अच्छे से, एंड ग्रेवी अभी भी पक रही है। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए फिर आप इसमें पनीर ऐड कर सकते हो। सो नाउ ग्रेवी पक रही है स्टिल, सो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पनीर, एंड बहुत जल्दी बन जाता है शाही पनीर। इंस्टेंट शाही पनीर की रेसिपी अपॉन माई चैनल। एंड लुक एट दिस, शाही पनीर बन चुका है। एक्चुअली सारा फूड रेडी हो चुका है, डो भी रेडी है। जब हमें भटूरा खाना होगा तो हम फ्राई कर लेंगे। फूड मैंने इसलिए जल्दी बना लिया क्योंकि मुझे कहीं जाना है एंड कुछ वीडियोस बनानी है एंड बैक्सिंग करनी है। न्यू नियर बटर बैग्स, एंड आप शॉपर ड्रग मार्ट से ले सकते हो। एंड इस बैग्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपको यूज़ करनी होती है, पूरी किट आती है। एंड घर में ही आप इसे माइक्रोवेव में गर्म करके यूज़ कर सकते हो। बिफोर यू यूज़ यू कैन वॉच माई वीडियो, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया इस ब्लॉग से पहले ही कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके रिव्यू भी किए हैं। एंड घर में बैक्स करना बहुत इजी होता है, एंड आप इसका रिजल्ट भी जहाँ देख सकते हो, मैंने कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, एंड मैं भी बहुत सरप्राइज थी। एंड आप देख सकते हो कि कैसे रूट से बाल निकलते हैं। सो इसको यूज़ करने से पहले वीडियो जरूर देखना। वीडियो हो गई है डन एंड मैंने अपलोड भी कर दी है। अब मैं आ गई हूँ मॉल में गाइस। आज मेरा शॉपिंग करने का बहुत मन था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम फिनिश किया। ओके, पहले बच्चों की ब्रेक करते हैं एंड फिर करते हैं शॉपिंग। शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ अर्बन प्लैनेट से, H&M। फर्स्ट ये स्टार्ट करते हैं। ओके, जी है जीन्स, एंड लुक एट दिस, दिस इज नाइस। जी है रिप्ड जीन, इसका लाइट कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक है ब्लैक। सो ये थी 39-37 की, एंड ये भी काफ़ी महंगी थी। आई थिंक ये थी 56 समथिंग की, कोई सेल नहीं थी। सो एनी वे, सो ये थी H&M से एंड अर्बन प्लैनेट से। सब ब्लाउज बहुत अच्छे अच्छे कलर थे उनके पास, ये बहुत अच्छा है। क्रॉप इज रियली गुड, आई लव द फैब्रिक लाइक स्टाइल एंड कलर। है वाइट, सेम क्रॉप, आई लव दीज टू कलर्स। लेट मी नो इफ यू लाइक इट, आई लव दिस टाइप ऑफ स्टाइल्स। तो रहे ब्लाउज, नेक्स्ट जीन्स मैं लेकर रही हूँ मॉम जीन, एंड ये बहुत अच्छी जीन है, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड रिप्ड जीन है, एक मैं लेकर आई हूँ जे, एंड लेकर आई हूँ ब्लैक। ये भी मॉम जीन है एंड ये भी अच्छी है, ये भी रिप्ड है लाइक दिस, आई लव दिस। समर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड और मैंने क्या लिया है अपने लिए, लुक एट दिस, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप नीचे से ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो स्टाइल के लिए, एंड मुझे ये कलर अच्छा लगा। सो थ्री जीन्स ली है मैंने, ब्लैक थोड़ी सी डार्क एंड ये लाइट वॉश। सो लव इट। मुझे स्प्रिंग की भी क्लीनिंग करनी है एंड डेकोरेट करना है एक्चुअली घर, ये विंटर की ऑलरेडी डेकोरेशन है। एंड रॉल ड्रामा की वीडियोस जरूर देखना, मैंने 4 वीडियोस अपलोड की है अपने चैनल पे, एंड उसमें देखना कि कैसे कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड कैसे कैसे अफोर्डेबल चीज़ें लेकर आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। फूड तो ऑलरेडी रेडी था मेरा एंड डो भी रेडी हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी से भटूरे बनाती हूँ। एंड मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन दिनों में आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग
क्लीनिंग की वीडियो मिलेंगी। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ मैं लेकर आने वाली हूँ। जैसे ऑलरेडी मैंने डॉलरामा की सीरीज़ ऑलरेडी शुरू कर दिया है। डॉलरामा में नया क्या होता है, डॉलरामा की चीज़ों को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अफोर्डेबल चीज़ें लेके अपने घर को ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट कर सकते हो, कॉस्को की वीडियोज़ भी ऐसे ही आएंगी इस सीरीज में, एंड वॉलमार्ट में नया क्या है वो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो आ रही है। सो स्टे ट्यून रहना, जो भी नया वॉलमार्ट में आया है वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, आपको घर बैठे ही सारा कुछ पता चल इन जाएगा। दिनों में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पे, जल्दी से जाकर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड गर्मा गर्म भटूरे भी इंजॉय करो। मैं जल्दी जल्दी से अपना डिनर भी रेडी कर रही हूँ, एंड जैसे ही आप मेरी डॉलरामाज की वीडियोस को इंजॉय करते हो गाइज, मुझे बनानी भी उतनी ही अच्छी लगती है। मैं रियली इंजॉय करती हूँ ऐसे कंटेंट जिसमें ऑर्गेनाइजिंग हो, डेकोरेशन हो, मुझे ऐसे कंटेंट एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं। एंड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें एंड इंजॉय करें जे डिनर मेरे साथ। एंड बस अब मेरा डिनर डन हो चुका है, हम जल्दी से किचन की क्लीनिंग एवरीथिंग डन कर लेती हूँ, एंड अब मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में। एंड स्टे ट्यून रहना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन अनदर कमिंग वीडियो। अंटिल देन टेक केयर गाइस, लव यू एंड बाय।